ओ फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पूरे के पूरे एंशियंट हिस्ट्री का एक रिवीजन सीरीज। क्या है ना दोस्तों कि पूरे एंशियंट हिस्ट्री में मैंने कुल मिला के 55 से 60 वीडियो अपलोड किया है, और अगर किसी को एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करना हो तो एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं ये चैप्टर इसलिए आपके लाया हूँ, ये सीरीज इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पार्ट 4 पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, कि पूरे के पूरे एंशियंट पीरियड में हमने जो कुछ पढ़ा है ना एक बार रिव्यू हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पे चल रही है, और थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं बहुत पुराने समय की कॉपी है और इसको तैयार किया गया था, तो मुझे लगा कि यार इसी को पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि फिर से लिखने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा जैसे मैं चित्र बना के ड्राइंग करके पढ़ाता हूँ उस तरह से मैंने नहीं पढ़ा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार डिटेल वाला पार्ट और खोल के देख लें, क्योंकि वहाँ पर और यहाँ पर बड़ा अंतर है। ठीक है, फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट इंडिया। ठीक है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में समझने जा रहे हैं, और अपनी कहानी हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता से आते हैं। इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान दीजिए, हड़प्पा से संबंधित पुरास्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला उत्खनन किसका हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा हड़प्पा का हुआ है। और ये हड़प्पा है कहाँ पे, तो रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला पंजाब में, जिला पंजाब है और प्रांत क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो अभी ये पाकिस्तान के अंदर है। जिस समय खुदाई चल रही थी उस समय पाकिस्तान नहीं था, उस समय वो भारत का हिस्सा था। तो मोंटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा, हड़प्पा नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया गया। इन स्थलों का उत्खनन हुआ था कब, 1921 में। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कब हुआ था, तो 1921 में। उस समय पुरातत्व के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था राय बहादुर श्री दयाराम साहनी। पूरा नाम क्या है, राय बहादुर श्री दयाराम साहनी। इन्हीं के द्वारा जो है ये हड़प्पा स्थल का खोज किया गया, उत्खनन किया गया, और यही जो है सबसे पहले इस बात को सामने लेके आए। हड़प्पा स्थल एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आपसे एग्जाम में पूछता है, देखिए हर लाइन पे आपको एक प्रश्न मिलेगा, हड़प्पा जो सभ्यता है वो पूछता है कैसी सभ्यता थी, तो याद रखिए कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, इससे इस काल के लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा नहीं थी, उसके जगह पे क्या था, कांसा। वह तांबा थी ना कि कांसा, तो कांस्ययुगीन सभ्यता इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से लोहे का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, लोहे का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि लोहे का संभवतः ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था, क्योंकि उसका कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। लोहे का प्रमाण आपको उत्तर वैदिक काल के दौरान मिलेगा, ऋग वैदिक काल में भी लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक तो पढ़ी नहीं जा सकी है, फिर भी इस लिपि के संबंध में दो बातें कही जा सकती हैं, कि जो लिपि है ये चित्राक्षर है। लिपि कैसी है, चित्राक्षर, या इसको आप बोल सकते हैं भाव चित्रात्मक। इस लिपि में कुल 400 से 500 संकेतों का प्रयोग किया गया है। कितना, मैंने आपको बताया था 400 से 500 संकेतों का प्रयोग किया गया था। और ये संकेत मिले कहाँ से, तो ज़्यादातर मुहरों से मिले हैं, और मुहरें किससे की बनी होती थी, सेलखड़ी की। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें थी वो किससे बनी हुई थी, तो सेलखड़ी से। तो मुहरे से, मृदभांड से, मनके से, ईंटों से, इस पे जो है इन सब चीज़ों से चित्र मिले हैं। और सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं, तो यू अक्षर का और मछली का चित्र सबसे ज़्यादा मिला है। तो कुल मिला जुला के ये बात है कि लिपि को अभी तो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इस लिपि को चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक बोल सकते हैं। एक और इसका नाम है गौमूत्रिका या हलावर्त शैली, अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो ब्रुस्टोफ्रेडन। ब्रुस्टोफ्रेडन क्या होता है दोस्तों, इस बात पे भी विवाद है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, उर्दू क्या होता है, दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो ब्रुस्टोफ्रेडन शैली बोला जाता है दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके, पहली लाइन बाएं से दाएं, उसके बाद फिर दाएं से बाएं चलती जाएगी, तो ये होती है ब्रुस्टोफ्रेडन शैली। तो ये यहाँ इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, देखिए एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं फटाफट एकदम स्पीड में, अगर हम इस सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था, और आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार।
ठीक ना, त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, इनको कहा जाता है कि यह जुड़वा राजधानी थी। और किसने कहा है तो ये भी एग्जाम में आता है, तो याद रखिए स्टुअर्ट पिगट के अनुसार। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि दो राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है, क्या माना जाता है? तो इसकी मान्य तिथि है 2300 से लेकर 1750, 2300 से लेकर 1750 बीसी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि इसके समकालीन जो है सभ्यता कौन सी थी, तो इसके समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं थी। जिस समय सिंधु घाटी चल रही थी उस समय हमांगहो नदी घाटी सभ्यता थी, वहाँ पे चीन की सभ्यता विकसित थी। दजला फरात नदी घाटी के पास मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता विकसित थी। नील नदी के पास जो है मिस्र की सभ्यता विकसित थी। लेकिन इन सब में जो हड़प्पा है ये सबसे अधिक विकसित था, सबसे ज़्यादा विकसित था, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था, जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, ये पूछता है। जबकि आगे चल के जब आपका ऋग्वैदिक काल आता है तो पितृसत्तात्मक राज्य वहाँ पे हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में संभवतः वणिक वर्गों का शासन था, कहा जाता है कि व्यापारियों का शासन था, वणिक वर्गों का, ठीक है। वणिक बोलते थे व्यापारियों को। हड़प्पा सभ्यता की एकत्रित महत्वपूर्ण विशेषता उसी का नगर नियोजन प्रणाली था। किस वजह से फेमस थी? तो अपने नगर नियोजन प्रणाली की वजह से, नगर नियोजन सिस्टम की वजह से ये फेमस थी, जिसमें शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक होता था प्रशासकीय वर्गों का निवास, जहाँ पर मतलब जो अधिकारी वर्ग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते तो वो निवास करते थे, और जो सामान्य लोग होते थे वो निचले मतलब देखिए जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ पे उच्च वर्ग रहते थे, जो निचला हिस्सा था वहाँ पे निम्न, मतलब कि जो अधिकारी नहीं, जो सामान्य जन लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते थे। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था। हमको क्या करना है, हमको यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना है, लेकिन बस खाली उतना ही लेना है जिसको हमको तैयारी हो जाए। कुछ एक्सेप्शन भी इसके मिले हैं अपवाद स्वरूप में, जैसे चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो का अपवाद क्या था, मैंने बताया था कि चन्नूदड़ो में कहीं भी बाउंड्री नहीं थी, कहीं भी बाउंड्री नहीं थी, बिना बाउंड्री का था चन्नूदड़ो। जबकि कालीबंगा एक खासियत थी कि अलग अलग बाउंड्री थी, बाउंड्री जो थी अलग अलग थी, कच्चे ईंटों के प्रयोग से अलग अलग बाउंड्री बनाई थी। ठीक उसी तरह से सुरकोटदा भी था, और धौलावीरा तो सबसे एक्सेप्शनल केस में था, ये गुजरात में है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है। सुरकोटदा से एक और अच्छा काम हुआ है कि घोड़े के प्रमाण मिले हैं, सुरकोटदा से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, याद रहेगा आपको। अच्छा, घोड़े के दांत कहाँ से मिले थे, मैंने बताया था राणा गुंडई से घोड़े के जो है प्रमाण, सॉरी दांत मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ पूछता है आपसे एग्जाम में, मृण मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अच्छा, चन्नूदड़ो से जो आपके जो सीसा कंघी मेकअप के सामान, ठीक है, टिकुली बिंद, ये सब जो आइटम थे ये सब कहाँ से, लिपस्टिक, ये सब के प्रमाण मिले हैं चन्नूदड़ो से। धौलावीरा में सबसे एक्सेप्शन ये था कि यहाँ पे तीन हिस्से बटे थे, ठीक है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये तीन हिस्से थे, सबसे ऊंचला वर्ग पे मतलब कि जो अधिकारी वर्ग रहते तो रहते थे, बीच वाले पे थोड़ा सोशल मीडियम वाले, और नीचे वाले पे जनता निवास करती थी। चलिए, कुछ शहरों की प्रमुख शहर हैं, उनके डिजाइनर के नाम है, जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे भी प्रश्न आते हैं। तो इसको जान लीजिए कि इसके डिजाइनर या वास्तुकार कौन थे। जैसे चंडीगढ़ का पूछता है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कार्बुसियर। नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया था, तो एडविन लुटियंस, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो इसको किसने डिजाइन किया है, क्रोनिस बर्गर, तो बर्गर याद रखें, भुवनेश्वर बर्गर। कलकत्ता को जाप चारनाक, मद्रास को फ्रांसिस डे, पांडिचेरी को फ्रांको मार्टिन, और गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? देखिए, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दो चीज़ें हैं। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किसने किया, जॉर्ज विटेट, ठीक है, ये मुंबई में है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से जो है श्रेयंग गार्डन, इसको किसने किया, तो एंथनी थॉमस। देखिए, मैंने अभी बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे, मुंबई में। इसकी ऊंचाई दोस्तों 26 मीटर है, ठीक है, और इंडिया गेट ये जो दिल्ली में है इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। कैसे याद रखोगे, 6 × 12 हासिल छोड़ दो, 2 × 4, अरे हासिल जोड़ लेते तो 5 हो जाता, 52 हो जाता ना, हासिल छोड़ दो, 6 × 12 = 2, 2 × 4, तो याद रखो ये 26 है, ये 42 है, तो दिल्ली वाला क्या है, बड़ा है। इंडिया गेट का जो निर्माण किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध एवं अफगान युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था,
जो दिल्ली वाला इंडिया गेट है वहाँ इनकी स्मृति में किया गया था, और वहाँ पे एक मशाल भी जलती है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर नाम भी लिखा हुआ है। और जो गेटवे ऑफ इंडिया था इसका निर्माण जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी ये जब भारत भ्रमण कर रही थी उस समय जो है उनकी स्मृति, उनके भ्रमण की स्मृति के स्वरूप में इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और ठीक इसी के सामने आपका ताज होटल है जहाँ पे 26/11 में बम ब्लास्ट हुआ था 26 नवंबर को, वो ताज होटल जो है, ताज ओबेराय सब इसी के पास में ही है, ठीक है। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का बात रहा। इसी तरह से वो तो हम बाहर चले गए थे थोड़े से, अब देखिए इधर क्या है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी कही जाती थी, भाई नगर नियोजन की वजह से फेमस थी तो एक नगरीय सभ्यता भी इसको कहते थे, और जिसका सबसे फेमस काम था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था या तो व्यापार था या तो कृषि था, दोनों चीज़ें इस चीज़ों में देखी गई हैं, क्योंकि वणिक वर्ग का शासन था तो व्यापार भी अच्छा था। हड़प्पा वासियों का मुख्य खाद्य फसल कौन सा था, तो गेहूं और जौ, ये उनका मुख्य खाद्य फसल था। गुजरात के हड़प्पा वासी चावल की खेती भी किया करते थे, और रंगपुर और लोथल इन दोनों जगहों से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। सैंधववासियों यानी सिंधु सभ्यता के वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया, किसका खेती किया था, कपास का, इसलिए जो यूनानी व्यक्ति थे आए भारत में उन्होंने कपास को सिंडन कहा, और सिंडन से इनको सिंधु सिंधु नाम पड़ गया, इंडियन सिंधन, ठीक है ना, बाद में इंडियन इसी से आगे चला बना है, तो आप डिटेल से वीडियो अगर देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल आपको केवल जल्दी से चीज़ों को कवर करना है इसलिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री को तो आप चैनल पर आके देख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से गाय के किसी भी तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि प्रमाण मिला है क्या, तो गाय के नहीं मिले हैं, लेकिन निश्चित रूप से गाय थी, क्यों, क्योंकि कुबड़ वाले बैलों के तो प्रमाण मिले हैं, और बैल हैं तो मतलब गाय हैं, तो गायों के कहीं से प्रमाण तो नहीं मिले लेकिन कुबड़दार बैलों के जो इनके प्रमाण मिले हैं। घोड़ी की हड्डी का प्रयोग मैंने बताया था आपको सुरकोटदा गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र से मिले हैं, और दांत जो है राणा गुंडई से, जबकि मृणमूर्ति मोहन जोदाड़ो से। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, सिंधु को किस नाम से बुलाया गया है, मेलुआ। हड़प्पा वासियों ने अपने समकालीन मेसोपोटामिया यानी इराक में बसी थी, और फारस ईरान की सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध था, और पारस्परिक संबंध भी था, व्यापारिक संबंध, हर तरह के संबंध इनसे थे। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मुद्रा के प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोई हमको जो है रुपीज़ या इस तरह से कोई मुद्रा हो। वे लोगों जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि आपके पास जो अधिक हो वो हमको दे दो, उसके बदले में आप अपने ज़रूरत की चीज़ ले लो, तो इस प्रकार से अपनी गतिविधियों को चलाते थे। तो इतना जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये आपके लिए जानना बिल्कुल ज़रूरी था, बहुत आवश्यक था, इसलिए बता दिया गया। एक दो चीज़ें आप दोस्तों और याद रखिए, कभी कभी क्षेत्रफल के हिसाब से विस्तार पूछता है, तो मैंने आपको वहाँ याद दिलाया था महाराधा, महाराधा माने म माने सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, ह माने हड़प्पा, रा माने राखीगढ़ी, और धा माने धौलावीरा, ये जो है सबसे बड़ा। हाल ही के खोजों के अनुसार राखीगढ़ी भी शामिल कर लिया गया ये सबसे जो है बड़े में, धौलावीरा के स्थान पे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो आप नया देखना चाहते हो, नया ये था कि हड़प्पा में जो है सभ्यता अदर लोगों से ज़्यादातर विकसित थी, ईंटों का प्रयोग जो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और साक्ष्य जो है ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, कच्चे और पक्के दोनों तरह के ईंटों के साक्ष्य देखने पे मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछता है संस्कृति के बारे में, तो जान जाइए कि जो हड़प्पा के अगल बगल के क्षेत्र जैसे राजस्थान, राजस्थान में जो संस्कृति चलती थी एक सोथी संस्कृति, चन्नूदड़ों में झुकर झाकर संस्कृति, और हड़प्पा के पास सिंधु संस्कृति, ये जो है संस्कृति के बात थे। तो ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया किस चैप्टर का, पूरे के पूरे सिंधु घाटी का। अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि आप आके एक बार चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। सबसे फेमस किस वजह से थे, तो अपने नगर नियोजन की व्यवस्था की वजह से ये ज़्यादा फेमस थे। एक दो स्थल के बारे में मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, जैसे लोथल फेमस है, लोथल से कई बार प्रश्न आते हैं। लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, गुजरात का एक बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह की होने की वजह से वहाँ व्यापारिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, और जो दुर्ग बने थे, मतलब कि जो उछले और निचले स्थान थे, दोनों दुर्गों को एक ही साथ बनाया गया था,
एक ही साथ। मैंने आपको बताया था कि वहाँ जो है सब लोग काम करने आते थे बाहर से, इसलिए सब एक ही दुर्ग में पैक थे। वहाँ पे उछला निचला जैसा कोई व्यवस्था नहीं था। हाँ, वहाँ पे उसको लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते थे, लघु हड़प्पा भी बोला जाता था, किसको? लोथल को। और लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब वह स्थान जहाँ पे जहाजें आके रुकती। जहाज तो नहीं थे, उस तरह के प्रमाण उसके नहीं मिले हैं, लेकिन व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो गोदीवाड़ा भी मिला है, तो उम्मीद है कि उस समय में जहाज, नाव, इस तरह की कुछ चीज़ें रही होंगी जिसके माध्यम से व्यापार चलते थे। और जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था जो है वो लोथल में देखने को मिली है। इसके अलावा रंगाई कुंड और अग्नि कुंड के प्रमाण भी लोथल से मिले हैं। तो ये दो तीन चीज़ें आपको जो है ध्यान देने वाली जरूरी है। इसके अलावा जो मृण मूर्तियाँ होती थी वो चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी और सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है, सेलखड़ी की। और जितना मेकअप वाला सामान है सबका सब आप चन्नू दड़ो करिएगा। जैसे मनका हो गया, सोने चांदी माड़ के इस तरह के आभूषण हो गए, मिट्टी के आभूषण हो गए, हाथी दांत के आभूषण हो गए, तो ये सब चन्नू दड़ो, लिपस्टिक हो गया, इन सब के प्रमाण मिले हैं, इन सब के प्रमाण मिले हैं, तो ये सब आप जानिए। बाकी आपका सबसे फेमस भाई मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें था? मोहनजोदड़ो को भूतों का टीला कहा जाता है, या सिंधु का बाग भी इसको बोला जाता है, सिंधु का बाग या भूतों का टीला। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज किया था ठीक एक साल बाद, ठीक है, 1922 में। और यहाँ की खासियत क्या थी दोस्तों, यहाँ से कई सारी चीज़ें मिली, जैसे यहाँ पे स्नानागार मिला है, और पूरा वो भी पक्की ईंटों का बना हुआ स्नानागार। हाँ, ये था कि वहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान संबंधी जब काम होता था तब स्नान होता, जैसे कुंभ का मेला लगता है तो वहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता ना, तो उस तरीके से होता वहाँ पे। और अन्नागार भी मिला है, स्नानागार के अलावा अन्नागार मिला है। और अन्नागार जो है पूरे के पूरे सब में सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नागार जो थी ये सबसे बड़ी इमारत थी, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा सभा भवन मिला है, और यही सारी चीज़ें हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से एक दो चीज़ याद रखिए, इससे पुजारी की मूर्ति मिली है, पत्थर के पुजारी की मूर्ति, मानव की मूर्ति मिली है तांबे की, ये जो है हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी, नाचने वाले की मूर्ति ये मिली है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको जानने हैं और आप जानो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों वैदिक युग की तरफ, समय को ज़्यादा नहीं कमाते हुए सीधे आते हैं वैदिक युग की तरफ। अब देखते हैं कि वैदिक युग का क्या इतिहास रहा है, फटाफट एक बार एक नज़र देख लेते हैं, कि आपको फाइनल रिविजन भी करना है, कम समय में बेस्ट करना है, तो उतना ही प्रश्न है मैं दे रहा हूँ जो ज़रूरत का है। वैदिक युग जो है ये 1500 से 600 BC तक माना जाता है वैदिक युग। इसमें दो पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, ये 1500 से 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक है। और इसके अंतर्गत हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, क्योंकि बिना साहित्य के बारे में पढ़े इसको समझा नहीं जा सकता है। साहित्य में हम लोग देखेंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद के बारे में, ठीक है, बात को समझते चलिए, आर्यक और उपनिषद के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें, एक सेकंड रुक जाइए तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है, अभी दिख रहा है अच्छे से। तो इसके बारे में देखते हैं, तो आइए समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वेद, वेद बना है विद धातु से, और इसका मतलब होता है जानना, इसका मतलब होता है जानना। कुल चार तरह के वेद हैं, ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, और अथर्ववेद जो सबसे नया है, बीच में है सामवेद और यजुर्वेद। याद रखिए प्रायः सभी पद्य में लिखा गया है, अपवाद खाली एक है जो यजुर्वेद है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये एक अपवाद है, ठीक है। तो ये चार वेद हैं, इसमें से जो ऋग्वेद है इसमें स्तुति की गई है भगवान की, सामवेद में क्या है गायन के बारे में बताया गया, यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया, और अथर्ववेद में जादू टोना और इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें कर्मकांडों की प्रधानता है, कर्मकांडों के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया ब्राह्मण ग्रंथ में, और ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये गद्य में लिखा गया, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, तो ये गद्य में लिखा गया। जो आर्यक है, आर्यक, आर्य माने होता है, अरण्य माने होता है जंगल, जो जंगल में बैठ के लिखे गए थे उनको आर्यक बोलते हैं, और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, क्योंकि जंगलों में कहानियां भी चलती हैं, जब शेर आ जाएगा तो गाना भी गाते हैं लोग, तो गद्य और पद्य दोनों याद रखिएगा। उपनिषद माने होता है उपधन निषद, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य को गुरु के समीप जाना और बैठ करके क्या करना, दर्शन का, ज्ञान प्राप्त करना या ब्रह्म की प्राप्ति होना, तो ये होता था उपनिषद, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, कुल 108 उपनिषद, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं, और ये देखिए वेद दिया है, कुछ वेदों के बारे में डिटेल से चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए डिटेल में थोड़ा देखिए, देवताओं की जो स्तुति में जो मंत्र लिखे गए हैं वो कहाँ पे हैं, तो ऋग्वेद में है। और इस मंत्र को जो बोलता था, जो गाता था, उसको होता या होत्री बोलते थे, होता या होत्री बोलते थे। और इस वेद का एक उपवेद भी है जिसका नाम है आयुर्वेद,
जिसका नाम है आयुर्वेद, जबकि चिकित्सा के बारे में दोस्तों अथर्ववेद में भी चर्चा किया गया है। लेकिन आयुर्वेद एक अलग ग्रंथ है, इसलिए अथर्ववेद को आयुर्वेद से जो है कोरिलेट मत करिएगा। अथर्ववेद में भी चिकित्सा की चर्चा की गई है, औषधियों के बारे में, तमाम औषधियों के बारे में बताए गए, तमाम रोगों के उपचार के बारे में बताए गए अथर्ववेद में, और यहीं पर जादू टोना भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है वो किसका उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का उपवेद है। इसके संकलनकर्ता प्रजापत्य को कहा जाता है, प्रजापति को। सामवेद है जो ये गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन है, इसलिए पद में है, ठीक है। और इसके पुरोहित को बोला जाता है उद्गाता, उद्गाता। इसका जो उपवेद है यह गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और इसके संकलनकर्ता है नारद। यजुर्वेद विभिन्न प्रकार के यज्ञों अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, और इसके पुरोहित को बोलते हैं अधर्व्यु। तो यू से यू याद करिए यजुर्वेद को। और इसका उपवेद है धनुर्वेद, और इसके संकलनकर्ता है विश्वामित्र। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका औषधि इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, और इसके पुरोहित कहलाते हैं ब्रह्मा या यज्ञों के निरीक्षण करता। और इसका जो उपवेद है यह है शिल्प वेद, और इसके संकलनकर्ता है विश्वकर्मा। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो और फटाफट देखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल मूल सूक्तियों की संख्या जो 1017 है, लेकिन 11 सूक्तवाद परिशिष्ट के रूप में अलग से जोड़ा गया इनको, तो 1017 प्लस 11 मिला के हो जाते हैं 1028। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028। सभी सूक्तों को कुल 10 मंडल में बांटा गया है, कुल 10 मंडल है किसमें, ऋग्वेद में, जिसमें से गायत्री मंत्र फेमस है। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, किस मंडल में, तीसरे मंडल में, ठीक है। गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, और यह प्रसिद्ध सूर्य देव की सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो सविता को, याद रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन किया गया है, जो चारों वर्ण हैं उसके बारे में बताया गया है, कौन कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसके बारे में पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है बलि, इसकी चर्चा की गई है, और राजा के द्वारा, सॉरी प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक भेंट था, या कर कह सकते हो, जिसको बलि बोलते थे, ठीक है। तो बलि माने किसी की बलि चढ़ाने की बात नहीं हो, एक कर की बात हो रही है, और लोग स्वेच्छा से देते थे, मतलब जरूरी नहीं था कि नहीं किसी को जबरदस्ती लिया जाए। उत्तर वैदिक काल में यही बलि जो है राजा के द्वारा, प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक अनिवार्य कर बन गया। ऋग्वैदिक काल में अनिवार्य नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ऋग्वेद में निष्क शब्द की चर्चा की गई, निष्क, निष्क को बोला जाता है गले में पहना जाने वाला आभूषण, सोने का आभूषण या हार को बोलते थे निष्क। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग किया गया, कुल 275 बार चर्चा मिलती है, लेकिन परंतु जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिला है, यानी बाद में चलकर जो है उत्तर वैदिक काल में जनपद का उल्लेख मिलता है, या जन उत्तर वैदिक काल के और बाद में जब महाजनपद काल बटे हैं, और बौद्ध धर्म की किताब है आपकी, सॉरी जैन धर्म की किताब है आपकी भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म की किताब है अंगुत्तर निकाय, इसमें वर्णन मिलता है महाजनपदों का, ठीक है। तो यहाँ 275 बाद खाली जन का उल्लेख मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल के साहित्यों में जनपद का उल्लेख मिलना लगभग प्रारंभ हो गया था। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की मुख्य व्यवसाय का आधार पशुपालन था, और इसके ठीक पहले हम लोगों ने देखा था जब हड़प्पा पड़ रहे थे तो वहाँ देखा था कि मुख्य आधार कृषि, और यहाँ क्या हो गया, पशुपालन, ठीक है। वे जिस मात्र एक फसल का उत्पादन करते थे वह था यव, यवानी जौ, यव का तुलना किससे किया गया, जौ से। इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन से बदलकर उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया, फिर से चेंज हो गया। इस काल में कई फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे ब्रीही चावल, गोधूम, ब्रीही ब्रीही बोल जाता था चावल को, गोधूम बोला जाता था गेहूं को, माश बोला जाता था उड़द को, सरसै बोला जाता था सरसों को, सरसै, ठीक है। यहाँ तक कि चावल के भी 5-5 किस्मों का उत्पादन होने लगा था, ठीक है। तो कुल मिला जुला के खेती के मामले में उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से काफ़ी आगे हो चुका था। ऋग्वेद में सोना और अयस्क का वर्णन मिलता है, तो सोना तो हम लोग देख लिए कि सोना का हम लोग निष्क बोलते थे, अयस्क जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है लोहा और कृष्ण को मिला करके बना था अयस्क, ठीक है, लोहा और कृष्ण, ठीक है। चले आगे देखते हैं, इसके बाद ऋग्वेद से मात्र 2 धातुओं का उल्लेख मिलता है, सोना और अयस्क, मैंने आपको बताया अभी पीछे, तो 2 धातुओं का उल्लेख मिलता है,
ठीक है, कौन कौन सा? सोना और अयस्क। सोना को बोलते थे निस्क। इसमें अयस्क की पहचान संदिग्ध है अभी, पूरी तरीके से नहीं है। हाँ, किसी ने तांबे से तो किसी ने कांसे से इसका संबंध स्थापित किया है, और किसी ने कहा नहीं दोनों को मिला करके बनता था। भारत में सर्वप्रथम लोहे की जानकारी 1000 BC यानी उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों के समय में हुई, प्रारंभ हुई। इस काल में साहित्यों में अयस्क के दो रूपों की चर्चा मिलती है, और वही क्लियर हो जाता है कि लोहा और कृष्ण। तो लोहा, ये लौह मतलब ये तांबा को लिया जाता था, और कृष्ण मतलब लोहा को लिया जाता था, कॉपर और फेरस, ठीक ना। ये ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़े हैं दोस्तों, बताइए जो चीज़ें हम लोग 10-10 पार्ट में कवर किए, अगर वो चीज़ें हमें एक पार्ट में कवर करना हो तो समय तो लगेगा, कम समय में ज़्यादा बातें बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुरंदर कहा जाता था, मतलब किलों को तोड़ने वाला कहा गया। उन्हें वृत्रहंता भी कहा गया, वृत्रहंता, क्योंकि इन्होंने अकाल के दानव वृत्र की हत्या की थी। हत्या की थी मतलब इनका वध किया था। तो वृत्रहंता, ऋग वैदिक काल में इंद्र शब्द का कुल 250 बार उल्लेख हुआ, और हम पीछे जन शब्द का देखें तो 275 बार उल्लेख हुआ जन शब्द का, मतलब इंद्र से ज़्यादा बार जन शब्द का उल्लेख किया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनका 200 बार उल्लेख है, और ऋग्वेद में वरुण को ऋषस्य गोपा अर्थात नैतिक मूल्यों का एक रक्षक कहा गया है। वरुण को ऋषस्य गोपा कहा गया है, नैतिक मूल्यों का रक्षक कहा गया है। आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस, जो कि हिमालय की एक चोटी जिसका नाम है मुजवंत उससे प्राप्त होता था। वहाँ एक सोम नाम की स्पेशली वनस्पति पाई जाती थी, और उसी से तैयार किया जाता था सोमरस, ठीक है। ऋग्वेद के नवम मंडल में संपूर्ण 144 सूक्त जिस देवता को समर्पित है वो है सोम देवता। सोम देवता के नाम पे नौवें मंडल में उनको नाम पे कुल 144 सूक्ति लिखी गई है। देवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी उषा या उषस, ठीक है, जिन्हें प्रातःकाल की देवी कहा गया, जो कि सूर्य के यात्रा पथ की खोलती थी, मतलब उनका यात्रा पथ खोलती थी, फिर सूर्य वहीं से उगते थे। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक कालीन देवताओं का महत्व कम हो गया, और तीन नए तरह के देवताओं का महत्व स्थापित हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा माने ब्रह्म यानी प्रजापत्य, रुद्र माने शिव, और विष्णु माने नारायण। तीन नए तरह के देवता का एंट्री होता है कब? उत्तर वैदिक काल में। इसके पहले इंद्र, वरुण और अग्नि, ये लोग जो है फेमस थे। इनमें से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण किसको रखा गया शुरू शुरू में? तो ब्रह्मा या प्रजापत्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। आश्रम व्यवस्था पहली बार इसी काल में हमारे सामने आई। आश्रम के कुल चार रूप देखे गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, कुल चार रूप देखे गए। तो 25 साल के लगभग आदमी यहाँ, 25 25 25 25 चौका 100 साल, तो ये आदमी की एक उम्र डिसाइड थी। इन चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख पहली बार जवालो उपनिषद में मिलता है। आपसे पूछता है कि किस उपनिषद में आश्रम की चर्चा की गई है, तो याद रखिए जाबालो उपनिषद में आश्रम की चर्चा की गई है, ठीक है। षड दर्शन का बीजारोपण पहली बार इसी काल में हुआ। षड दर्शन क्या थे? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत, तो ये थे छह दर्शन थे। तो सांख्य के प्रतिपादक थे दोस्तों कपिल मुनि, योग के थे पतंजलि, न्याय के थे गौतम, वैशेषिक के थे उलुक कड़ाद, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण ऋषि। ये कुल छः ऋषि हैं, इनके द्वारा कुल छः दर्शन का प्रतिपादन किया गया। 16 संस्कार का पहली बार इसी काल में अस्तित्व आया है। मैंने पूरी डिटेल से 16 संस्कार और विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो। इसमें उपनयन संस्कार जो था ये काफ़ी प्रसिद्ध था। उपनयन संस्कार ये 11वें नंबर का संस्कार था, और हमने तो बात किया कि उस जमाने में जब बच्चा पेट में आता था तो उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी, एक बार आप पढ़ के देखो ये चैप्टर, आपके होश खुल जाएंगे। इस काल में महिलाओं और शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। किसका किसका? तो एक तरफ महिलाओं का, दूसरी तरफ शूद्र, जो शूद्र जाति थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनका, उन शूद्रों का। पुरुष शूद्रों के बारे में कहाँ बताया गया? पुरुष सूक्त में बताया गया, और किस जगह पे? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्तों का वर्णन, के शूद्रों का वर्णन मिलता है। और यह भी कहा गया कि इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान था, ठीक है, और हमने हड़प्पा में देखा था वहाँ क्या था, वहाँ मातृप्रधान था, तो यहाँ क्या हो गया, पुरुष प्रधान। बावजूद इसके महिलाओं की स्थिति इस काल में अच्छी थी, ऋग वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की कंडीशन में बहुत गिरावट आई है, बहुत खराब स्थिति हो गई है।
ठीक है। और इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन जैसी कुप्रथाओं का चलन तो बिल्कुल नहीं था और विधवाओं की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी थी। उनके पुनर्विवाह होते थे और महिलाओं का शिक्षा संबंधी अधिकार भी था। और ऋग्वेद में इसी वजह से अनेक विदुषियों का वर्णन भी मिलता है, जैसे अपला, घोसा, विश्वश्री, ठीक है ना, शिक्ता, लोपा, मुद्रा। तो इस तरह से कई सारी जो है विदुषी महिलाएं थीं, इनके बारे में वर्णन जो है यहाँ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई, थोड़ी सी का बहुत गिरावट आई। उनके उपनयन संस्कार जो हैं बंद हो गए, जो थोड़े बहुत भी चलते थे, हालांकि उपनयन संस्कार तो वैसे भी नहीं होते थे, और उन्हें जुए और शराब की श्रेणी में रखा जाने लगा। फिर भी उतनी खराब स्थिति नहीं थी जितने की बाद के कालों में देखने को मिला है। और फिर यहीं से बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सब चीज़ों का अभी भी चलन नहीं था इस काल में भी अनेक विदुषियों के कारण मिलते हैं, ठीक है। जैसे सुलभा, बड़वा, मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, इन सभी जो है विदुषी महिलाएँ हमको उत्तर वैदिक काल में भी मिलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक के दरबार में, जनक कौन थे, सीता जी के पिताजी, ठीक है, ये कहाँ इनका दरबार था, तो विदेह, जानकीपुरम, ये आधुनिक नेपाल में है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक के दरबार में गार्गी और याक के वल के बीच में होने वाले संवादों की जानकारी मिलती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो गया और अथर्ववेद में मगध, वैशाली और अयोध्या का भी सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो याद रखिए, अथर्ववेद में जो है मगध, वैशाली और अयोध्या का उल्लेख सबसे पहली बार मिला है। शतपथ ब्राह्मण में ने कुरु पांचाल को वैदिक सत्यता के दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र बताया है। शतपथ ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें क्या बताया गया, कुरु और पांचाल को बताया गया है। इस काल में एक निश्चित प्रशासकीय तंत्र का जन्म हुआ। इस काल में दो प्रशासकीय तंत्र जो हमारे सामने आए, जैसे था, एक था भागदूत, दूसरा था संग्रहित। भागदूत बोला जाता था राजस्व की वसूली करने वाला, संग्रहित बोला जाता था कोषाध्यक्ष को, ठीक है। और उसके बाद हमारी मुलाकात होती है दशराग्य युद्ध से। ऋग्वेद में उल्लिखित यह युद्ध परसुड़ी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इसमें विश्वामित्र के नेतृत्व वाले कुल 10 राजाओं ने भाग लिया और वशिष्ठ के नेतृत्व वाले भरत जन के मुखिया सुदास के विरुद्ध ये युद्ध की शुरुआत हुई। और परंतु जो है वो जिसने शुरू किया था वो स्वयं ही पराजित हुआ। तो इस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध, ठीक है। तो ये सारी बातें रही दोस्तों, और काफ़ी समय हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और डिटेल से हम लोग इस रिविजन सीरीज को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपके वीडियो पर ऐड आता है तो प्लीज़ वीडियो के ऐड को आप पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, आपसे बहुत बहुत निवेदन है। और इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे सिर्फ हमारा एक उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में एक सरसरी निगाह आपका पड़ सके, 3-4 वीडियो में आप पूरा एंशियंट को एक बार रिवाइज कर सको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।